एक्टर नाना पाटेकर को फिर से आया गुस्सा शाहरुख खान की पठान और जवान जैसे फिल्मों को लेकर और कहा कि जब आप थिएटरों में इस तरीके की वायलेंस वाला फिल्में देखेंगे और अगले दिन जब आप न्यूज़पेपर में हत्या और वायलेंस जैसी खबरें पढ़ेंगे तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जैसे कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पोषण की जरूरत होती है जिससे उसका पेट भरने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, बिल्कुल उसी तरीके से एक सिनेमा को भी होना चाहिए जिसको देखने के साथ साथ ऑडियंस को अच्छा भी लगे और साथ ही उसमें कुछ अच्छा मैसेज भी हो। लेकिन आजकल जिस तरीके की फिल्में चल रही है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मैंने कुछ ही समय पहले एक बाहियात फिल्म देखी है जो कि 500 करोड़ से भी ज्यादा की बिजनेस कर रही है। वो फिल्म इतना बाहियात था कि मैं तो उसे पूरी तरीके से देख ही नहीं पाया। लोग इतना वायलेंस देखेंगे तो लोगों के ऊपर गलत असर तो पड़ेगा ही, और अगर इस फिल्म ने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं तो जरूर इस फिल्म को बच्चों ने भी देखा है। और इस तरीके की वायलेंस फिल्में देखने के बाद जब अगले दिन न्यूज़पेपर में जब छपती है हिंसा वायलेंस मर्डर, तब इस तरीके की न्यूज़ सुनकर कोई बड़ी बात नहीं लगती और ये जो फिल्में हैं इनको गैर कानूनी कर देना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि नाना पाटेकर जी ने किसी भी फिल्म का नाम डायरेक्टली लेकर उसे नहीं लता रहा है, हालांकि सबको पता है कि उन्होंने किस फिल्म की ओर इशारा किया है, क्योंकि नाना पाटेकर जी की बातों से साफ तौर पर यह पता चलता है कि वो शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस समय 500 करोड़ के आंकड़े के पार जा रहा है, और सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने भी 500 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। लेकिन नाना पाटेकर उस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नाना पाटेकर ने खुद भी गदर 2 में काम किया है, अपनी वॉयस उस फिल्म में उन्होंने दिया है। और साथ ही नाना पाटेकर जी की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है वैक्सिंग वॉर जो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म है। उस फिल्म में नाना पाटेकर जी लीड रोल में है जिसके चलते वो इस समय उस फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं और साथ ही वो दूसरों की फिल्मों के बारे में काफी कुछ कह रहे हैं। और वैक्सिंग वॉर 28 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।